हेलो एंड वेलकम टू टीबी कुकिंग इंस्टीट्यूट। मैं हूँ शेफ तरुणा बिरला। आज हम बना रहे हैं चीज़ी मैक्रोनी, बैग्ड मैक्रोनी करेंगे हम उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको लेना है एक पैन, क्योंकि हम बना रहे हैं सबसे पहले वाइट सॉस। वाइट सॉस के लिए हम लेंगे बटर, जैसे ही थोड़ा गर्म होगा, और हम इसमें डालेंगे गार्लिक। हल्का रोस्ट करना है आपको, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बटर गर्म नहीं किया, थोड़ा हो गया है वो। अभी हम इसमें डालेंगे मैदा इक्वल। हार्डली आपको 1 मिनट इसको रोस्ट करने में लगेगा। अभी मैंने गैस ऑफ कर दिया है और जो हमारा मैदा है वो ठंडा हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे मिल्क। अच्छे से जब ये सब मिक्स हो गया है, मुझे लग रहा है कोई लम्स नहीं है, तभी मैं गैस ऑन करूँगी। इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, तब तक हम करेंगे इसकी सीजनिंग। सीजनिंग के लिए हम लेंगे यहाँ शुगर, थोड़ा सा नमक, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर भी आप डाल सकते हो। 4 से 5 मिनट अच्छे से ये पक गया है। इस कंसिस्टेंसी पे आपको ये सॉस हमारा चाहिए, क्योंकि बेक भी होगा थोड़ा थिक होगा। मैं यहाँ डाल रही हूँ चीज़, प्रोसेस चीज़ लिया है मैंने। जनरली जो मैक्रोनी होती है उसमें शेडार चीज़ जाता है। अभी हम गैस ऑफ कर देंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमारा वाइट सॉस बनके रेडी है। अब हम रेडी करेंगे सारी वेजिटेबल्स और पास्ता। अभी हमें लेना है एक पैन में ऑयल। जैसे ही आपका ये थोड़ा गर्म होगा, हम इसमें डालेंगे अनियंस। थोड़े से जो अनियंस है उनको हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है। हम इसमें ऐड करेंगे बेल पेपर्स, उसके साथ ही हम लेंगे रेड, उसके साथ ही हम लेंगे स्वीट कॉर्न, उसके साथ ही हम लेंगे ग्रीन कैप्सिकम। इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा ट्रांसपेरेंट, थोड़ी सी क्रंची चाहिए हमें सब्जियाँ। चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, उसी के साथ जाएगा थोड़ा नमक। थोड़ी सब्जियाँ हमारी थोड़ी टोस्ट हो जाएगी, उसके बाद ही हम डालेंगे यहाँ बॉइल्ड मैक्रोनी। अभी हम मिक्स करेंगे इसको, इसको टोस्ट करेंगे हमारी वेजिटेबल्स के साथ। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप थोड़ा ऊपर से कलरफुल दिखाना चाहते हो, तो जो वेजिटेबल्स हमने टोस्ट की थी थोड़ी सी हम निकाल लेंगे इसमें। अभी अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको। जैसे ही सब कंप्लीट हो जाएगा, अभी हम इसमें डालेंगे हमारा वाइट सॉस जो हमने बना के रखा था अभी, और अच्छे से वाइट सॉस को इन सब के साथ मिक्स करेंगे हम। एंड में हमें डालना है पाइनएप्पल। तो अभी हमारा ये बन के रेडी है। अभी हम इसको करेंगे बेक। अभी ऊपर से हम डालेंगे प्रोसेस चीज़, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं आप। इसी के साथ हम इसको गार्निश करेंगे जो वेजिटेबल हमने रोस्ट की थी। ये रेडी है, अभी हम इसको बेक करेंगे 180 to 200 degrees पर अप्रोक्स 15 मिनट के लिए। सिर्फ नीचे का कॉइल ऑन करेंगे और ऊपर एक हल्का सा ब्राउन कलर हम इसको देंगे।